सबसे पहले बात गुजरात के नए मुख्यमंत्री की। गुजरात में बस थोड़ी देर बाद नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। मोहर लगेगी बीजेपी के अहमदाबाद दफ्तर कमलम में। इस समय एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बस लगभग एक घंटे का समय है, 4 बजे तक नए सीएम का नाम सामने आ जाएगा। सभी बीजेपी विधायकों के साथ बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर और तरुण चुग बतौर पर्यवेक्षक यहां पर मौजूद हैं। कुल 6 नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। डिप्टी सीएम नितिन पटेल के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे माना जा रहा है कि वो रेस में सबसे आगे हैं। नितिन पटेल ने कहा है कि जो घर घर में नाम जाना पहचाना जाता है वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। गांधीनगर पहुंचने के बाद पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विधायकों और पार्टी नेताओं से चर्चा करके वो फैसला करेंगे। 6 दावेदार मुख्यमंत्री की रेस में हैं। इस समय रणछोड़ फलदू नए दावेदार के रूप में अब सामने आ चुके हैं, तो जबरदस्त हलचल इस वक्त चल रही है गुजरात में। ये अलग अलग तस्वीरें इसी बात का प्रमाण है कि नए मुख्यमंत्री का जो ऐलान है बस वो अब से कुछ ही देर में होने वाला है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, विधायक दल की बैठक हो रही है। तो गुजरात में विजय रूपाणी के बाद मुख्यमंत्री कौन, कल यानी कि शनिवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले जबरदस्त हलचल है। हालांकि साल के अंत में चुनाव होने, लेकिन 2017 में बीजेपी जीती अवश्य थी लेकिन उसकी जीत का अंतर कम हुआ था। आगे बढ़ते हैं। घर की सुरक्षा कड़ी किए जाने से नितिन पटेल को रेस में आगे माना जा रहा है। इस वक्त खुद नितिन पटेल ने अब थोड़ी देर पहले संकेत दिए, सुनिए। हूँ जनरल जी बात करूँ छू कि गुजरात का मुख्यमंत्री पसंद करवाना हो तारे गुजरात 6 करोड़ 30 लाख जनता में जाणीतो चेहरो, लोकप्रिय चेहरो, लाखों कार्यकरो ना लोकप्रिय अथवा संगठन ना जाणकार संगठन में मददरूप थाय, दरेक ज्ञाति जाति समाज में स्वीकृत थाय अने अनुभवी होय। तो गुजरात बीजेपी में जबरदस्त हलचल इस समय चल रही है। बीजेपी ने सीएम चेहरा बदला तो उस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी इसको बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद से जोड़ रही है, तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी अपनी नाकामी को छिपा रही है। गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। यह ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। एट लास्ट बीजेपी एग्री द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी टोटली फेलियर for dealing corona and dealing the people's friendly issues. Actually, this is a clear case of agreeing that people's sentiments are against BJP in Gujarat. अभी किसी से भी बात भी हुई, जिस सभी लोगों से बातचीत होगी, विधायकों से भी बातचीत होगी, कौन नेता होगा इस दिशा में तब आगे बात बढ़ेगी। भाजपा की सरकार पूरी तरह से फेल रही, कोरोना के आंकड़े छिपाए गए, लाखों लोग वहां पे मरे, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन, ना ऑक्सीजन, ना कोई सुविधा, युवा को रोजगार नहीं है, सब तरह से लोग दुखी। भाजपा की सरकार की फेलियर है, इसको छिपाने के लिए बलि का बकरा विजय रूपाणी को बनाया गया है कि ये तुम ही जिम्मेवार करके। अगर मोदी जी सही काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री क्यों बदल रहे हो आप?